राज करना है तो दूसरे का हक छीन के खा जाओ। चोरी कंट्रोवर्सी और जातिवाद ये चिंती तो निश्चित है यहाँ पे। भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तो जातिवाद चल रहा है लेकिन इससे पहले चोरी चमारी बहुत चला है। तुम पे कि मैं भरोसा थोड़ा साथी रे प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे। ट्रेंडिंग कर रहा है लेकिन इसका खबर कोई नहीं दिखाता है। नहीं इसीलिए तो हम लोग आए दिखाने के लिए। खुशबू राय जी ने खुशबू जी का फोन आया था, खुशबू राय जी का फोन आया था कि खुशबू जी हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं स्पेशली बर पूजा सॉन्ग के लिए जो कि कोई नहीं लिया, लेना चाहिए इंटर, मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं हम खुशबू जी को। मेहनत करने लगे, गाली गलौज से ऊपर हट के अब एल्बम में काम कर रहे हैं तो दोनों के लिए हमारे एल्बम में भी काम है तो तुम लोग के तो दोनों के हमारे एल्बम में भी स्वागत है। तो आप और रक्षाबंधन के गाना कह जाओ करेंगे कि वो चंदन चंचल बहुत खराब गा दी है, वो बेचारा काम कर रहा है गाना गा रहा है लेकिन जो गाली गलौज लड़की होकर दे रही है उसके बारे में आप क्या कहिएगा जो कि पूरा माहौल को खराब कर दिया। तो एक लौता चंदन चंचल आप भी असली गाना गाते थे? नहीं नहीं, एक लौता चंदन चंचल कैसे आप कैसे चंदन चंचल को आप पवन सिंह नहीं गाए क्या? हम छोड़ चुके हैं ना, अभी गा नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, अभी एक लेटेस्ट कौन सा गाना आया है कि ढोड़ी कुछ गोदी में लेके जली खोदी है जीजा जी, बहुत अच्छा गाना है बताइए। जब इंडस्ट्री में सिंगर लोग का अच्छे गाने आप खुद असली गाते थे पहले छोड़कर अच्छे गाने गा रहे हैं, आपका बज भी रहा है। नहीं हम अच्छे गाने गाते हैं तो एक आदमी का कॉल आता है और जब ढोड़ी और चोली और फलाना ढिकाना वाला गाना गाते हैं ना तो सबका फोन आता है खुशबू जी आपने ये गाना गाया हम फोन आने से मतलब नहीं, आपका गाना बज रहा है ना, गाना तो बज रहा है ना। कोई तारीफ नहीं करता है खुशबू जी को छोड़ के, खुशबू राय जी को छोड़ के किसी का फोन नहीं आया कि बर पूजा का गाना आपका ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत ही अच्छा गाना है खुशबू जी बहुत बहुत बधाई। गाली देने के बाद गाली देने वाले को भी आपके सबसे अच्छे प्रिय दोस्त मगहिया जवान जो कि गाली कैमरा ऑन करते हैं गड़िया गड़िया के स्टार बन जाते हैं, पवन सिंह जैसे स्टार स्टेज पर बुला के और उसको सम्मानित करते हैं। देखिए तो वो देखिए वही तो वो लोग चाहते हैं। एक बात बताते हैं, अब हम नाम नहीं लेते उसका, एक बाहियात से सिंगर उसको हम नहीं कहते हैं, बाहियात से लड़की है तानिया झा, ठीक है, वो कौन सा अच्छा बात बोल देगी जो सारे मीडिया वाले उसके पीछे चले गए। नहीं एक चीज, आप चंदन चंचल को सपोर्ट कर रहे हैं, तानिया झा को क्यों विरोध कर रहे हैं? चंदन चंचल गाता है, मेहनत करता है, अच्छे गाने गावे लिखते भी है, तो आपको नेशनल टीवी पे बुलाएगा था, नेशनल मीडिया पे बुलाएगा। जब भी बड़े चैनल का डिबेट होता है भोजपुरी को लेकर तो हमको जरूर बुलाया जाता है। क्या तानिया झा को बुलाया, नाम उनको भी गाली देंगे क्योंकि उसको संस्कार तो होगा नहीं क्योंकि बड़े छोटे का लिहाज तो वो जानती नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण करती तो हम भी ब्राह्मण हैं, ठीक है, हमको मेरे माता पिता और मेरे खानदान भी हमको संस्कार दिए हैं कि हमको कहाँ किस जगह पे कैसे बोलना है। खाली ये बोलने के लिए होता है, मीडिया पर और टीवी पर दिखाने के लिए होता है, अंदर में सब कुछ वही सारा कुछ करप्शन है, ठीक है, साफ भाषा में बोल रहे हैं, हर जगह जैसे चल रहा है ना उस तरह से भोजपुरी में भी वही है, जब तक ढोड़ी जिंदाबाद है तब तक भोजपुरी जिंदाबाद है। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं साहिल, फिर से एक बार स्वागत है आपका भोजपुरी दर्पण में। तो आज हमारे साथ खुशबू उत्तम जी जुड़ चुके हैं, खुशबू उत्तम जी नहीं एक कौन से क्लास में पढ़ते हैं? एलकेजी में, एलकेजी की छात्रा जुड़ चुकी है, एलकेजी के खुशबू उत्तम जी है जो कि एलकेजी में पढ़ती है, तो मतलब पूरा एकदम स्वीट 17 वाला रोल धारण किए हुए, पूरा एकदम कॉन्वेंट स्कूल वाला रोल धारण। तो क्या कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी आप? अभी हम बिहार भोजपुरी एकेडमी में पढ़ रहे हैं। बिहार भोजपुरी एकेडमी में प्रिंसिपल कौन है वहाँ के? प्रिंसिपल वाले भोजपुरी के स्टार लोग हैं। भाई तो स्कूल समझ सकते हैं अब कितना ज्यादा उठपटांग हुआ। चलिए छोटे खैर रहते हैं, सेट पे मौजूद है हम लोग, इनका शायद जो स्कूल का गाना आ रहा है स्कूल टाइप का उसी के लिए तैयार है। तो सबसे पहले स्वागत करूंगा खुशबू उत्तम जी, कैसी हैं? एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास, ठीक ठाक टिकटॉक लग रही है, बिंदास हो नहीं हो पता नहीं चला है लेकिन टिकटॉक लग रही है एकदम, मतलब ये रोल क्या धारण क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये गाना मेरा भी सूट हो रहा है कि ट्यूशनवा वाला सर जी पे दिल आ गई। ट्यूशन का बच्चा लोग भाई पढ़ना बंद कर देगा, लड़का लोग हम समझ सकते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट थे, कितना झीक झाक होकर के जाते थे पढ़ने, और जब वहाँ के लड़की का मास्टर पे दिल आने लगेगा तो वहाँ के बच्चों का क्या होगा? एक्चुअली हमारे जो सर जी जो हमें ट्यूशन पढ़ाते हैं ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, प्रवीण उत्तम जी इसमें एक्टिंग कर रहे हैं और मॉडल है, हम लिपसिंग कर रहे हैं और गाना मैंने ही गाया है, खुशबू उत्तम ऑफिशियल से ये गाना आ रहा है कि सर जी पे दिल आ गई, ट्यूशन वाला सर जी पे दिल आ गई, हमरो दिल आ गई,
हमरो दिल आ गई। बहुत प्यारा गाना है और आप लोग जरूर सुनिए। सही में बहुत प्यारा गाना है और गाना मैं उसको तो कहूंगा गाना सुनना ही मत, आप म्यूट कर देने गाने का, लेकिन वीडियो जरूर देखना। तो यही खुशबू उत्तम जी है जो कि एक से एक हिट गाने के जरिए अपना नाम बना चुकी हो। उत्तम जी का यहाँ शूट हो रहा है। एक गाना मैं सुनना चाहूंगा आपसे जो कि एक सैड सॉन्ग का बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। हमारा जिंदगी में भी कुछ अभी सैडनेस चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि वो गाना सुना के मेरा दर्द भुला दीजिए। कौन सा गाना था? तुम पे किए भरोसा। वो भी कंट्रोवर्सी सॉन्ग है, एक सिंगर और गाती थी। कोई दिक्कत नहीं है, मार के भोजपुरी इंडस्ट्री में हो चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर राज करना है तो कंट्रोवर्सी जरूरी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करना है तो दूसरे का हक छीन के खा जाओ। चोरी, कंट्रोवर्सी और जातिवाद, ये चिंती तो निश्चित है यहाँ पे। भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तो जातिवाद चल रहा है, लेकिन इससे पहले चोरी चमारी बहुत चला है। चले ठीक है, तो पहले मुझे गाना सुनाइए, तब जाके आपका इंटरव्यू लूंगा मैं आगे। तुम पे कि मैं भरोसा, थोड़ा साथी रे। तुम पे कि मैं भरोसा, थोड़ा साथी रे। प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। और ऐसे ऐसे गाने बहुत सारे मिले। मतलब इसमें लड़का छोड़ देता है कि लड़की छोड़ देती है? लड़की, लड़का छोड़ता है ना, तभी तो लड़की रो रो के गा रही है। लड़की गा रही है। नहीं, हम गाना सुने, वीडियो नहीं देखते। हाँ, हम ज्यादा गाना ही सुनते हैं। और अभी मेरा एक गाना अभी बर पूजा का, अभी बर पूजा का बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे। अभी 8-10 दिन से ट्रेंडिंग कर रहा है, लेकिन इसका खबर कोई नहीं दिखाता है। नहीं, इसीलिए तो हम लोग आए दिखाने के लिए। खुशबू राय जी ने, खुशबू जी का फोन आया था, खुशबू राय जी का फोन आया था कि खुशबू जी हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, स्पेशली बर पूजा सॉन्ग के लिए, जो कि कोई नहीं लिया, लेना चाहिए था। मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं हम, थैंक यू खुशबू जी को। खुशबू जी का फोन आया था। ले तो हम ले रहे हैं। नहीं, आपसे पहले मैंने बोला कि बर पूजा का सॉन्ग के लिए हमको खुशबू जी फोन की थी, और धन्यवाद, मतलब कांग्रेचुलेशन दे रही थी कि आपको गाना ट्रेंड। 50% उनको दीजिए, 50% मुझे दीजिए। अच्छा ठीक है, 50-50 आप बांट लीजिए। और थैंक यू सो मच सबको इतना सारा रील बनाने के लिए, जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे गाना, और ये मस्त ट्यूशनवा वाला सर जी पे दिल आ गए, इस पर भी जरूर रील बनाइएगा। और खुशबू जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी जरूर रील बनाइएगा। मास्टर जी की याद में बवाल करवाइएगा हम लोग मीडिया वाला से रील बनवा के आप। वही खुशबू जी हैं जो मतलब एक से एक करारा, भोजपुरी में कोई सा भी विवाद हो और उनके खिलाफ में एक से एक मुंहतोड़ जवाब और करारा जवाब देने के लिए एनी टाइम रेडी रहते हैं, चाहे वो मगहिया जवान हो चाहे कोई सा भी हो। मगहिया जवान तो मतलब बहुत बड़े फैन हो गए इनका, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत जल्दी मेरे गाने में भी दिखेंगे। मतलब ये उन्होंने अपना पैशन चेंज कर लिया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बेचारा मेहनत करने लगे, गाली गलौज से ऊपर हट के अब एल्बम में काम कर रहे हैं। तो दोनों के लिए हमारे एल्बम में भी काम है, तो तुम लोग के, तो दोनों के हमारे एल्बम में भी स्वागत है। तो आप और रक्षाबंधन के गाना कह जाओ। एल्बम में रक्षाबंधन के गाना कौन सा रोल दीजिएगा उनको? भाई का देंगे, भाई का रोल देंगे। ऐसे नॉर्मल गाने में, नॉर्मल गाने में भी देखिए, नॉर्मल गाने में तो हम एक्चुअली एक्टिंग करते नहीं है ना, सिंगर है तो मॉडल लोग करती है। तो हम रक्षाबंधन और जैसे ओकेजनली सॉन्ग जो होता है पर्व त्योहार का, उसमें हम एक्टिंग खुद करते हैं, तो उसमें हम भी एक्टिंग करेंगे। और मगैया जवान के दोनों भाई लोगों को भी हम राखी बांधते हुए वीडियो बनाएंगे। चलिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑफर है। तो आ जाइए, तो खुशबू जी जहाँ तक आपको देखा जाए, पुराने गाने जो कि आप बहुत ज्यादा राज करती थी, एक तरफा राज करती थी, पुराने असली नहीं होता था। एक्चुअली क्या है ना कि एक तरफा राज करने के पीछे, अब नहीं राज करने के पीछे कारण ये है ना कि बहुत सारा विवाद हुआ था, तो मुझे भी बुरा लगा था कि 17 तक कि मुझे ये गाना नहीं गाना चाहिए। लेकिन उसके बाद बाहियात बाहियात सिंगर लोग आ गई, अब तो क्या बोले, माँ बहन की गाली एकदम सामने ऑन मीडिया पड़ती है, तब बताइए कि वहाँ हम क्या करेंगे। मेरा यही संस्कार है। क्या GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, उस जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एस ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कहीं ना कहीं आप पहले
अश्लील गाना भी होता था, बजता था, अभी मार्केट में आई है अच्छे गाना। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे अश्लील छोड़कर जब अच्छे गाना आप गा रही है वो भी बहुत ज्यादा बज रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे? बजता है असली, देखिए अच्छे गाने बजते हैं लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है, कोई तारीफ नहीं करता है। खुशबू जी को छोड़ के, खुशबू राय जी को छोड़ के किसी का फोन नहीं आया कि बरपूजा का गाना आपका ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत ही अच्छा गाना है, खुशबू जी बहुत बहुत बधाई। ये बधाई का कॉल सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का आता है, मीडिया की तरफ से, मीडिया की तरफ से भी बता रहे हैं, ऑडियंस का छोड़ दीजिए। लेकिन बताइए कि जब मीडिया वाले भी जाके असली टाइप के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो अच्छे गाने का कौन पूछेगा? मजबूरन हमको भी गाना पड़ेगा वही। सही में अच्छे गाने का पूछ नहीं हमारी इंडस्ट्री में, वो पब्लिक हो चाहे मीडिया हो चाहे कलाकार हो, अगर कोई अच्छे गाने गा देंगे भले वो सुनेंगे एंजॉय करेंगे गाने को, लेकिन प्रमोट नहीं करेंगे गाने का। वही कोई गंदा गाना गा लिया चंचल चंचल जैसा ढोल चटना स्टार्ट, वो तो गाना है ठीक है, उसका विरोध नहीं करेंगे कि वो चंदन चंचल बहुत खराब गा दी है, वो बेचारा काम कर रहा है गाना गा रहा है, लेकिन जो गाली गलौज लड़की होकर दे रही है उसके बारे में आप क्या कहिएगा जो कि पूरा माहौल को खराब कर दी? कौन? हम नाम नहीं लेंगे, हम नाम लेकर क्या बोलते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो ज्यादा कंट्रोवर्सी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम भी देखते हैं ना वीडियो, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो ये गाली गलौज वाले लोगों को आप लोग प्लीज, आप लोग रिक्वेस्ट है जितने भी मीडिया कर्मी है अच्छे चीजों को कीजिए। चंदन चंचल देखिए अपना काम कर रहा है, गाना गाता है लड़का, पवन सिंह भी गा रहे हैं भोड़ी वाला गाना, पवन सिंह भी गाए हैं, तो वो काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। एक तरफ जब सब अश्लील गाने से हटके जब अच्छे गाने की तरफ जा रहे हैं तो एक होता चंदन चंचल, आप भी अश्लील गाना गाते थे। एक लौता चंदन चंचल कैसे, आप कैसे चंदन चंचल को, आप पवन सिंह ही गाए हैं क्या? हम छोड़ चुके हैं ना, अभी गा नहीं रहे हैं। नहीं अभी एक लेटेस्ट कौन सा गाना आया है कि ढोड़ी कुछ गोदी में लेके जनी खोदी है जीजा जी, बहुत अच्छा गाना है, बताइए। मैं उनको पवन जी पर भी आरोप नहीं लगा रही हूँ, वो भी बेचारा काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, अब मार्केट में जो चलेगा वो गाएंगे ही, चाहे पवन सिंह हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो चाहे चंदन चंचल हो एनीबॉडी एबीसीडी कोई भी सिंगर हो। नहीं ये चीज गलत है, मार्केट में चले, मार्केट में तो बहुत कुछ चलता है, मार्केट में अगर अच्छा चलता तो पवन सिंह के गाने, आप भी तो अच्छे गाने गाने की, आपके गाने पवन सिंह के गाने हमें बचपन से सुन रहे हैं ठीक ना, हम भी उनके गाने, हम भी उनके फैन है, उनको क्या जरूरत पड़ गया था कि ढोड़ी में लेके खो दिए जीजा जी गाने का? क्यों आई बोला, जब इंडस्ट्री में सिंगर लोग का अच्छे गाने आप खुद असली गाते थे पहले, छोड़कर अच्छे गाने गा रहे हैं, आपका बज भी रहा है। नहीं हम अच्छे गाने गाते हैं तो एक आदमी का कॉल आता है, और जब ढोड़ी और चोली और फलाना ढिकाना वाला गाना गाते हैं ना तो सबका फोन आता है, खुशबू जी आपने ये गाना गाया, फोन आने से मतलब नहीं, आपका गाना बज रहा है ना, गाना तो बज रहा है ना, पब्लिसिटी वही है, सिंगर क्या करेगा, मर जाए क्या करूं मैं, मर जाऊं भाई, किसी को गाली तो नहीं दे रहा ना, किसी को टारगेट करके गाली तो नहीं दे रहा, बेचारा काम कर रहा है, चाहे कोई भी पवन जी हो, खेसारी जी हो, हम हो, चंदन हो, कोई भी हो, सब लोग काम कर रहा है। अब तो गाली देने वालों को, गाली देने वाले को, गाली देने के बाद गाली देने वाले को भी आपके सबसे अच्छे प्रिय दोस्त मगैया जवान जो कि गाली कैमरा ऑन करते हैं, गरिया गरिया के स्टार बन जाते हैं, पवन सिंह जैसे स्टार स्टेज पर बुला के उसको सम्मानित करते हैं। देखिए तो वो देखिए वही तो वो लोग चाहते थे ना कि गाली दे के हम विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, अभी हम कोई, इसीलिए तो हम बोले कि मगैया जवान को मेरे एल्बम में भी स्वागत है, अगर काम चाहिए तो हमारे यहाँ भी बहुत सारा काम होता रहता है, आके हम लोग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब पवन सिंह क्या बोलते हैं, एक तरफ हो रहा है कि स्टेज पर चढ़ के ढोली चंदन चंचल जो अश्लील जो कि बहुत ही ज्यादा गाना, उस गाना का विरोध हुआ था उसको प्रमोट करते हैं, एक तरफ मगैया जवान को बुला करके उसको सम्मानित करते हैं, मतलब चल क्या रहा है ये सब इंडस्ट्री में? अब ये तो पवन जी से आप जाके डायरेक्टली पूछिए, हम तो बस यही जानते हैं, मुझे तो ये सभी चीजों को देख के यही लगता है कि मार्केट ये सब चीजों को पसंद कर रही है, तभी ये चीज सुन रहे हैं लोग। नहीं मार्केट पसंद करने से मतलब, मार्केट तो बहुत चीज पसंद करती है, ऐसा भी चीज पसंद करती है जो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी क्या मतलब उसे चीज करेंगे? तो वो चीज को आप लोग डीजे में लगा के नहीं ना आप लोग सुनते हैं डीजे में लगा के सुनने से मेन मतलब है? मेन मतलब एक मिनट, माइक नहीं हटना चाहिए, हम बता रहे हैं जो भी आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं आप डीजे में लगा के सुनते हैं, लेकिन ढोड़ी चटनावा जरूर सुनते हैं, ढोड़ी में लेके जानी खोदी है जीजा जी समियाना के चोप जरूर सुनते हैं। अगर कलाकार गाना ही बंद कर देंगे तो कैसे कहानी, एक मिनट आप लोग इंटरव्यू लेना छोड़ सकते हैं क्या? हम लोग गलत इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल ले रहे हैं। क्या गलत ले रहे हैं? आप लोग का टॉपिक भी वही है। टॉपिक वो नहीं है, आपका टाइटल पता है क्या रहेगा? हम खुद यूट्यूबर है, खुद ही गाना अपलोड करते हैं, आप लोग का टाइटल क्या रहेगा? अश्लील पवन सिंह के बारे में खुशबू तुमने अश्लील कहा, ढोड़ी में लेके जाने खोल दिए जीजा जी, फोन ले लीजिए, फोन लीजिए और चैनल खोल के देख लीजिए, मेरा चैनल खोल के देख लीजिए। सब्जेक्ट इसी से बिकते हैं। मैं आपके बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सारे मीडिया वाले ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए आपको नहीं बोल रहे हैं, हम सभी को बोल रहे हैं कि ये जो
आप लोग पकड़ना तक नहीं आते, ऐसे ऐसे लोग मीडिया में आ रहे हैं उनपे ये बात लागू होता है। नहीं तो अब आप मेरा चैनल खोल के देख लीजिए, ऐसा भी एक बाहियात थंबनेल नहीं मिलेगा। नहीं एक बात बताते हैं, अब हम नाम नहीं लेते उसका, एक बाहियात से सिंगर उसको हम नहीं कहते हैं, बाहियात से लड़की तानिया झा, ठीक है, वो कौन सा अच्छा बात बोल दी कि जो सारे मीडिया वाले उसके पीछे चले गए। अच्छा यहाँ पे नहीं, एक चीज आप चंदन चंचल को सपोर्ट कर रहे हैं, तानिया झा को क्यों विरोध कर रहे हैं? चंदन चंचल गाता है, मेहनत करता है, उसको दुच 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 मीडिया वाले उसको पॉपुलर कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया वाले, कुछ यूट्यूबर, वो मीडिया वाले भी नहीं, कुछ यूट्यूबर, मीडिया वाले नहीं हो यूट्यूबर, उनको आप भी जानते हैं, आप बहुत सारे आपके विवाद भी हुआ था, आप अच्छे नाम इंडस्ट्री में, अच्छे गाने गावे लिखते भी है, तो आपको नेशनल टीवी पे बुलाया गया था, नेशनल मीडिया पे बुलाया गया था। जब भी बड़े चैनल का डिबेट होता है भोजपुरी को लेके, तो हमको जरूर बुलाया जाता है। क्या क्या तानिया झा को बुलाया जाएगा? अभी तो उनका डिसीजन है ना, उनका डिसीजन नहीं है, ये उनके इमेज के प्रति है ना। आप भी अभी से अश्लील गाना शुरू कर दीजिए, क्या आपको बुलाया जाएगा? उसके जैसे ऑन कैमरा खोल किसी को गरिया दीजिएगा, किसी को कुछ कर दीगा, अगले बार से आपको नेशनल टीवी पे बुलाया जाएगा। मैंने गाली दिया था मगर ये जवान को, लेकिन वो उसके करने पे वो बहुत गंदा सा वीडियो बनाया था, इस वजह से हम दिए थे। वो काउंटर हुआ ना, काउंटर बैक काउंटर हुआ, लेकिन वो क्या है ना कि हम उसको, मेरी मजबूरी थी, लेकिन हम बेवजह किसी को कभी परेशान नहीं किए हैं, कभी नहीं, बेवजह कभी नहीं कि किसी को एक ठेठ भाषा में उंगली करना होता है, कभी नहीं मैंने किया है। और मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपनी भोजपुरी पे भरोसा है, भोजपुरी वासियों पे भरोसा है। और मेरा अभी इसलिए थोड़ा सा गाना कम बज रहा है क्योंकि हम अश्लील कम गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं अभी, कम ही बज रहा है। नहीं अश्लील, आप एक मिनट मेरा भी सुनिए, अश्लील आप नहीं गा रहे हैं, आपके अच्छे गाने कम ही बज रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में बज रहे हैं और लोगों के प्रति इमेज अच्छे है भाई। लेकिन नाम नहीं हो रहा है कि खुशबू उत्तम का गाना अब कहां, बताइए ना, ट्रेंडिंग में 8-10 दिन से है, इंस्टाग्राम पे रील खूब सारा बन गया है, ठीक है, लगभग 1 लाख रील बना है, तो कहां कोई हमको तारीफ के लिए। नहीं एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके अच्छे गाने बज रहे हैं, 10 लोग बैठे हुए उनके बीच में जाकर बैठिएगा, एक तरफ जिनका नाम लिया वो सिंगर तानिया झा, वो अगर 10 लोग के बीच में बैठेगा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उसका नाम नहीं देखिएगा, उनको भी गाली देंगे क्योंकि उसको संस्कार तो होगा नहीं, क्योंकि बड़े छोटे का लिहाज तो वो जानती नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण करती, तो हम भी ब्राह्मण है, ठीक है, हमको मेरे माता पिता और मेरे खानदान ने हमको संस्कार दिए हैं कि हमको कहाँ किस जगह पे कैसे बोलना होता है, तो थोड़ा सा लड़की होने का मर्यादा रखना चाहिए, औरत होने का मर्यादा होना होता है अलग। अब देखिए मान लीजिए हम कुछ भी गाएं, लेकिन एक मर्यादा में कपड़ा पहनते हैं, मर्यादा में बोलते हैं, बड़े छोटे का जैसे लिहाज करते हैं, आप छोटे हैं हमसे, काफी हमसे छोटे, तब भी हम आपसे आप करके बात कर रहे हैं प्यार से, भले तुम बोल दिए छोटे हो तो वो अलग बात है, लेकिन एक संस्कार अलग होता है, ठीक है, तो चाहे वो सिंगर हो चाहे वो सिंगर नहीं हो, कोई भी लड़की का मर्यादा नहीं भूलना चाहिए। मतलब क्या पवन सिंह आकर के वहाँ पे ढोरी चट्टा को सपोर्ट करें तो ये सही चीज है? देखिए वो ढोरी चट्टा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सफलता को सपोर्ट कर रहे हैं, सफलता को गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं ना, पवन सिंह वहीं पे गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सिंगर जो अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो फिर उनको जाकर क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? बता रहे हैं कितना उम्र हुआ है मेरा? वही 19 हुआ है ना अभी, ये वो कोई अभी कुछ भी गाने नहीं आता हो, अभी स्टूडियो में तो कोई भी सिंगर बन सकता है ऑटो ट्यून लगा के, ये वो कोई ढोरी वाला गाना गा रहा तो और नाम हो जाए। नाम से मतलब नहीं है ना, नहीं तो अभी नाम से मतलब है बाबू, नाम से अभी लोगों को नाम चाहिए, हम लोग फेम चाहिए। अभी बताए क्या मतलब जिसको गाना नहीं आता, जिसका गाना बहुत सुपर डुपर हिट हो रहा है, सबका नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसका पता है डिमांड कितना है? 3 लाख रुपया ले ऑडियो वीडियो के। अरे अच्छा गा के क्या कर लिए भाई, अच्छा गा के क्या कर लिए, हमको कहाँ 4 लाख रुपया मिल रहा है कंपनी से, लेकिन वैसे लोगों को मिलता है 4 लाख। क्या मतलब अश्लील गाकर परमानेंटली रस होते इंडस्ट्री में सलील के मुकाबले? सलील बस खाली बोलने के लिए होता है, मीडिया पर और टीवी पर दिखाने के लिए होता है, अंदर में सब कुछ वही सारा कुछ करप्शन है, ठीक है, साफ भाषा में बोल रहा है, हर जगह जैसे चल रहा है ना उस तरह से भोजपुरी में भी वही है, जब तक ढोरी जिंदाबाद है तब तक भोजपुरी जिंदाबाद है।